नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के साथ अधिकारों के बंटवारे को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। इसे केजरीवाल सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर पहले ही सुनवाई कर चुका है, पहले उसे इस पर फैसला देने दें, इसके बाद ही इसे उसके पास लेकर आए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय को यह आदेश कैसे दे सकते हैं कि वह सिर्फ अधिकार क्षेत्र पर फैसला सुनाए, न कि इसके गुण दोष पर। जांच के बाद जाकिर के विरुद्ध कार्रवाई, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुस्लिम धर्म प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के कथित भड़काऊ भाषणों पर शुक्रवार को कहा कि सरकार की इस पर नजर है और अधिकारियों को आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाने को कहा गया है। सिंह ने कहा कि जाकिर के भाषणों की जाँच की जा रही है, कानूनी रूप से जो भी उचित होगा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सरकार का सवाल है, आतंकवाद से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल गिरफ्तार। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही एक आरोप में पार्टी के एक विधायक दिनेश मोहनिया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जारवाल के खिलाफ मामला ग्रेटर कैलाश थाने में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह विधायक से मिलने गई थी, तब उन्होंने न केवल उसके साथ बदतमीजी की बल्कि छेड़खानी भी की। जारवाल के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले मई 2014 में जल बोर्ड के इंजीनियर से बदसलूकी करने के मामले में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रजनीकांत की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने एक फिल्म के प्रसारण अधिकारों के मामले में दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता से शुक्रवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने एडी ब्यूरो कंपनी की एक याचिका पर लता को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। न्यायालय ने जवाब के लिए उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि लता रजनीकांत ने कोचा दैया फिल्म के प्रसारण अधिकार के मामले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था, इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि लता ने 10 करोड़ रुपए ले लिए और फिल्म के प्रसारण अधिकार किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया। शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल पर धमाके, 35 लोगों की मौत। इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर में स्थित शिया मुसलमानों के एक पवित्र स्थान पर गुरुवार रात किए गए इस्लामिक स्टेट के 3 आत्मघाती हमलों में 35 व्यक्तियों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए हैं। सैयद मोहम्मद बिन अली हादी के मकबरे पर किए गए इस हमले से इराक में शिया तथा सुन्नी मुसलमानों के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। बगदाद से 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित शिया मुसलमानों के मकबरे की रक्षा के लिए शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की शांति शिया मिलिशिया तैनात है। यह धार्मिक स्थान मलाद के पास है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।